निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा निमाली 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें ये निमाली 21 अगस्त 2020 यानी कल जारी किया गया है। क्या कुछ इसमें विशेष है उसके बारे में सबसे पहले हम अपडेट ले लेते हैं, फिर इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पहले से अप्लाई होता हुआ है सभी राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई करते थे, लेकिन इस निमाली के अनुसार यानी आगे से जब भी इस निमाली को फॉलो किया जाएगा, जब से जारी कर दिया गया उसके बाद से तो फॉलो ही किया जाएगा, तो उसमें अदर राज्य के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। यानी जो भी इस निमाली के तहत लिखा गया है इसके अनुसार कोई भी अब ब्लॉक लेवल पे जो भी शिक्षक भर्ती निकलता है 1-8 का या पंचायत लेवल पे 1-5 का जो भर्ती निकलता है उसमें अदर स्टेट के अन्य राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अपडेट विशेष रूप से किया गया कि मेरिट जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें चेंजिंग किया गया, खास करके 6-8 की जो मेरिट बनने वाली है उसमें चेंजिंग किया गया है। और भी बहुत कुछ अपडेट किया गया है, तो चलिए हम थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, पहला पॉइंट है इसमें संक्षिप्त नाम कमा विस्तार एवं प्रारंभ। यह निमाली बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त निमाली 2020 कही जाएगी। दूसरा है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तीसरा है यदि सूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा, यानी आज हम पढ़ रहे हैं प्रभावी है। इसके बाद इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, अगर किसी का परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा हुआ आप इसे समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में पहला ले लेते हैं सरकार, सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। इसी तरह और भी चीज़ें लिखी गई हैं जिसे आप जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में भी चलेंगे ताकि आपका समय का बचत हो। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें अनुदेशक के बारे में, प्रधानाध्यापक के बारे में, सारी चीज़ के बारे में इसमें लिखा गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में लिखा गया, ये सारी चीज़ आप जानते होंगे। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में लिखा गया है जिसमें DL Ed, BEd, BA Ed, BSc Ed, इस सब के बारे में लिखा गया, इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये प्रशिक्षण है। अब यहाँ पे हम बातचीत करेंगे पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी के बारे में, को इसे मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आपका प्रखंड शिक्षक, प्रखंड के नियोजन समिति के द्वारा प्रखंड के मध्य विद्यालयों, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1-8 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक। तो 1-8 में नियुक्ति होगा, और ये कौन कौन से होंगे, तो आपका मध्य विद्यालय हो सकता है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हो सकता है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हो सकता है। उसमें 1-8 की नियुक्ति होंगी, नियुक्त होने के बाद वो 1-8 के शिक्षक बनेंगे। दूसरा होता है पंचायत शिक्षक, ग्राम पंचायत के नियोजन समिति के द्वारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1-5 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक। इसमें देखा जाए तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का संवर्ग जो होता है इसमें क्या क्या है, तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के संवर्ग का गठन निम्नलिखित 3 कोटि के शिक्षकों को मिलाकर होगा। पहला होगा मूल कोटि, मूल कोटि में होगा कक्षा 1-5 तक। दूसरा होगा स्नातक कोटि जो कक्षा 6-8 तक। तीसरा होगा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। इसमें आगे नोट में भी लिखा गया है प्राथमिक विद्यालय का मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। ख लिखा गया मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण होने के बावजूद कक्षा 1-8 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही रहेगा। इसमें देखा जाए तो न्यूनतम आहर्ताएं क्या क्या चाहिए नियुक्ति के लिए, इसमें सबसे पहले हम 1-5 का देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो पहला लिखा गया सेम टू सेम है वही, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, यानी DL Ed वगैरह जो आपने किया वो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी 10+2 होता है 50% अंकों के साथ, वही है। दूसरा इसमें लिखा है 45% के साथ, वही नियम कानून है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानक मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2000
2 के अनुसार प्राप्त किया गया हो या इसके अतिरिक्त है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड या इसके अतिरिक्त क्या है आपका, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में विशेष शिक्षा, एक विशेष शिक्षा अलग से एग्जाम होता है उसके लिए है, यानी स्पेशल एजुकेशन जो होता है उसके बारे में ये है। इसके अतिरिक्त या में लिखा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन तथा शिक्षा शास्त्र यानी बीएड के साथ जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं 50% अंकों के साथ उनको भी दिया गया मौका, लेकिन इसमें नोट में कुछ लिखा गया क्या है, वही ब्रिज कोर्स आपको करना होगा 2 साल के अंदर। चलिए देख लेते हैं, जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के अंदर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स पूर्ण करना आवश्यक होगा। ये तो पहले से ही था, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया और लिखा गया है, यानी ये अर्हता जो ऊपर में लिखा गया वो इसके अतिरिक्त आपको केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1-5 पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET में उत्तीर्ण अनिवार्य होगा, यानी ये भी जरूरी है TET उत्तीर्ण होना है, CTET पास हो या बिहार सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 1-5 के लिए होता है वो पास हो। अब दूसरे पे ये चर्चा करेंगे, दूसरा है आपका पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि जो 6-8 कक्षा के लिए है, इसमें देखा जाए तो किन पदों पर नियुक्ति होगी, तो इसमें 3 पद है, कौन कौन सा है, पहला गणित विज्ञान शिक्षक के लिए, दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, तीसरा है भाषा शिक्षक के लिए यानी लैंग्वेज शिक्षक के लिए। इसमें एक विशेष चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि यानी 6-8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे जबकि शेष 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ये है क्या, जैसे मैं मान लीजिए सपोज कीजिए 50 सीट है तो 50 में से 100 मानिए 100 सीट है, सपोज कीजिए 100 सीट है उसमें से 50 सीट प्रोन्नति से भरे जाएंगे, 50 सीट पे आपका नियुक्ति होगा यानी शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी उसमें अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसके बाद उनकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी, सीधी भर्ती यानी सीधी नियुक्ति होगी उनकी। तो इसमें ये कैसे हो, इसमें भी 50% जो मिला यानी 50 जो मिला इसमें 50% महिला का होगा, आगे इसमें पढ़ेंगे आरक्षण होगा ही, इसमें उसमें 50% महिला का होगा, तो ठीक से ध्यान से समझ लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ। जैसे मैं 100 सीट है, ठीक है 100 टोटल सीट है, 100 में से 50 सीट प्रोन्नति से भरे जाएंगे, बचे 50 सीट, 50 सीट में से आपका 25 महिला के लिए हो जाएगा और ये 25 पे अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे जो पुरुष वगैरह हैं जो भी कैटेगरी हैं और वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, 100 सीट में से इस तरह बटेगा, फिर इसमें कैटेगरी वाइज फिर टूटेगा, उसके बाद आगे ये बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ समझना होगा तभी इसमें जाके छटने के बाद मतलब बहुत कम सीट हो जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग थे यहाँ, अब इसमें क्या क्या अर्हता चाहिए, तो सारे अर्हता है वही सेम है, बीए बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है आपका वही डीएलएड वगैरह जो आप करते हैं वो और बीए बीएससी किए हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त है न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड, इसके अतिरिक्त है न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड या इसके अतिरिक्त है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड, इसके अतिरिक्त है न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड जो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन होता है वो, और इसमें देखा जाए तो और क्या है, यानी ये सब अर्हता में से कोई एक अर्हता आपके पास है,
को आपको TET भी पास होना होगा, जो विशेष रूप से 6-8 होता है, और ये TET आपका बिहार सरकार का हो सकता है या केंद्र सरकार का जो CTET होता है वो पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और BEd यानी विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा। और भी चीज़ें इसमें लिखा गया है जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये लिखा गया है जो 50% जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे उसके क्या नियम वम है, तो इसमें भी मूल्यांकन परीक्षा होता है यानी दक्षता परीक्षा होता है या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो उनके लिए ये सारी चीज़ हैं कि कितना वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो, वो सारे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोन्नति के बारे में ही है। दूसरा, प्रधानाध्यापक के लिए जो पद होगा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के सभी पद, प्रधान अध्यापक के सभी, यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अब इसके लिए अर्हता क्या क्या चाहिए, तो प्रोन्नति से भरे जाएंगे तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जो फ्रेश हैं अभी। और इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसमें उर्दू शिक्षकों, संस्कृत शिक्षकों या बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति है, इसके लिए ये सारी चीज़ अर्हता मांगी गई है, क्या क्या चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आरक्षण के बारे में, आरक्षण में देखा जाए तो सेम आरक्षण होगा, आरक्षण के बारे में यहाँ विशेष कुछ नहीं दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान पंचायत समिति अंतर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा, जो भी सामान्य प्रशासन विभाग का होता है जो भी प्रावधान है उसका वही प्रोन्नति पर भी लागू होगा। महिला एवं दिव्यांगजनों की नियुक्ति इसमें देखा जाए तो महिला पर 50% जो हमने अभी समझाया था वही चीज़ है। सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों पर प्रत्येक विषय अनुदेशक सहित में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी, विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। विशेष है ये, विषम पद रहने पर क्या होगा, महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा वो। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की प्रत्येक विषय अनुदेशक सहित में दिव्यांगजनों के लिए 36 आरक्षण का वही प्रावधान लागू होगा जो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली अधिसूचना संकल्प के अनुसार निर्धारित किया गया हो। आयु में भी विशेष कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे जो न्यूनतम है वो दिया गया है लेकिन अधिकतम आपका जो भी प्रशासन विभाग से होगा वो उसके बारे में है। चलिए देख लेते हैं एक बार, नियोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक कोटि के शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 21 वर्ष का आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। अनुदेशक के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी एवं आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। तो ये अपडेट होता रहता है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया। और नियुक्ति की प्रक्रिया है, विशेष ये नियुक्ति की प्रक्रिया में स्टार्टिंग में पहला पॉइंट है, भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, यानी जो पहले थे अदर स्टेट के अप्लाई करते थे वो नहीं कर पाएंगे, भारत के नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही केवल आवेदन कर पाएंगे। दूसरा है, इसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा जिला के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाइयों को प्रखंड शिक्षकों तथा पंचायत अनुदेशक सहित के नियुक्ति हेतु पदों की संख्या संशोधित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आगे लिखा गया है, प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड नियोजन समिति या पंचायत नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा विषयवार एवं कोटिवार प्रखंड शिक्षक अनुदेशक तथा पंचायत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की सूचना, नियुक्ति संबंधी सभी शर्तों का विवरण सहित का प्रकाशन पूरे प्रखंड या पंचायत में किया जाएगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट एवं जिला के NIC के वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। NIC की वेबसाइट पर आप जो देखते हैं वहाँ प्रकाशित की जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने हेतु कम से कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा, 1 महीने का समय कम से कम दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त लिखा गया है, योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र यथा निर्देशित में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के यहाँ हाथों हाथ स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से दिया जाएगा। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं या निबंधित जो भी डाक है उसे दे सकते हैं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की पर होगी, मेधा सूची विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम मेधा सूची प्रकाशन का तिथि से अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा,
अधिकतम कितने वर्ष के लिए होगा, एक वर्ष के लिए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगा सूची का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रखंड स्तर पर मेगा सूची निर्माण प्रखंड नियोजन समिति के सदस्य सचिव सा कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, किंतु मुख्य उत्तरदायित्व नियोजन समिति के सदस्य सचिव की होगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर मेधा सूची का निर्माण पंचायत नियोजन समिति के सदस्य सचिव एवं नियोजन समिति के में मनोनीत उच्च विद्यालय के शिक्षक की होगी। नियोजन समिति के सदस्य सचिव मेधा सूची की तैयारी हेतु स्थान एवं तिथि आदि तय कर दूसरे सदस्य से आवश्यक सहयोग लेंगे। मेधा सूची के प्रत्येक पेज पर मेधा सूची निर्माण करने वाले दोनों सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अब देखिए मेधा सूची कैसे बनेगा, तो सबसे पहले पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के में विशेष रूप से देखा जाए तो मूल कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु मेधा सूची जो है, तो इसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, तो इसमें देखा जाए तो पहला है मैट्रिक शिक्षक में प्राप्तांक का प्रतिशत, मैट्रिक शिक्षक में जो भी प्राप्त किए हुए प्राप्तांक उसका प्रतिशत, जैसे में आप लोग देखते होंगे कि मैट्रिक में आपका कितना परसेंटेज है, बच्चे पूछते हैं, कोई कहता है 60% 70% वही है वो प्रतिशत 60%। दूसरा है इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी इंटर में कितना आपका प्रतिशत है वो। तीसरा है प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों को जोड़ना होगा। क्या क्या है को यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, को जैसे मैट्रिक में आपका कितना आएगा, मान लीजिए किसी का मैट्रिक में 60 है, इंटर में कितना आएगा, 60 है, वहाँ 60 हो गया, तो उसके बाद प्रशिक्षण में कितना आएगा, प्रशिक्षण में मान लीजिए हो गया 60, तो सबको जोड़ेंगे 0 6 6 12 18 को कितना हो गया 18। उसके बाद 3 से भाग देना है पर, इसको 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो इसका मेरिट आ गया 60। तो 3 से भाग देना पर अभ्यर्थी का मेधा सूची अंक होगा। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होगा, को जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा, कितना अंक वेटेज दे होगा, को 10 अंक दे होगा भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को। इसमें देखा जाए तो आगे देखते हैं, तो आगे है आपका मेधा अंक समान होने पर, मान लीजिए समान हो जाता है पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका मेधा सूची के ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं खास स्नातक कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्ति हेतु मेधा सूची। स्नातक कोटि यानी 6-8 का इसमें किस तरह होगा, तो इसमें होगा पहला होगा स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, सभी विषय जो भी आपका सब्सिडी वगैरह होता है सभी विषय को जोड़ा जाएगा, उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। जो यहाँ बिहार में आप लोग देते हैं वहाँ पे केवल जो आपका ऑनर्स पेपर होता है उसका होता है, तो ऑनर्स पेपर नहीं, स्नातक स्तर पे पठित सभी विषय जो भी है सारे विषय को जोड़ा जाएगा, जो भी 1500 पे निकालते हैं वो उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तथा प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया उसका प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, उसका प्रतिशत आपको जोड़ा जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का 1500 पे निकाला आपका हो गया 60%, और इसमें आ गया आपका कितना जो प्रशिक्षण आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया है अपना उसका मान लीजिए 60% आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 60 60 120 हो गया। फिर इसको कितना से भाग दिया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि दो ही का जोड़ है, 2 से भाग दिया 6 दिन बाद, यानी 60 आपका मेधा बन गया, यही आपका मेधा होगा 60%। ठीक है, आप अपना निकाल लीजिएगा, इस तरीके से आगे से होगा। आगे लिखा गया उपयुक्त दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा, बता दिया हमने। इसमें स्पेशल क्या है, को भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी के शब्द के उसके अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका मेधा सूची के में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थी का मेधा सूची में निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो प्राप्तांक की गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जाएगी, जो भी ऐच्छिक है यानी जिसको अगर आप पास नहीं भी होते हैं, मतलब उसमें परसेंटेज अगर उसमें नहीं भी पास होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिजल्ट पे, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। किंतु जहां ऐच्छिक विषय अनिवार्य हो, लेकिन जहां ऐच्छिक विषय है लेकिन अनिवार्य है इसमें पास होना, अनिवार्य हो, अनिवार्य विषय के रूप में हो, वहां गणना की जाएगी। स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों अतिरिक्त एवं ऐच्छिक
अतिरिक्त में ऐच्छिक को छोड़कर के प्राप्तांक के जोड़ को माना जाएगा। स्नातक के साथ प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सहायक विषयों में प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यता के विषयों के प्राप्तांक को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे गठन होगा, कौन कौन सदस्य बनेंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ है, देख लीजिए पंचायत नियोजन समिति के कौन कौन सदस्य होंगे, ये तो उतना ज़रूरी नहीं है। मुखिया रहेंगे, अध्यक्ष, इसमें और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कौन कौन अध्यक्ष बनने, कौन सदस्य हैं, कौन सदस्य सचिव हैं, ये सब जानना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कुछ भी कंप्लेन वगैरह हो, चाहे कुछ भी गड़बड़ी हो, किसके बारे में कंप्लेन कर सके, बातचीत कर सके, इसके लिए है। अब इसमें विशेष है मेधा सूची का अनुमोदन, ये भी जरूरी है, उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन जानना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, जो भी विशेष था वो हमने आपको अपडेट करा दिया। विशेष है कि आवेदन कैसे होता है, कहाँ देख सकते हैं, NIC की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त बिहार के निवासी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मेधा सूची का निर्माण होगा, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये सारी चीज़ हमने स्पष्ट कर दी। अब चलिए मेधा सूची का अनुमोदन के बारे में जान लेते हैं। नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा समिति की बैठक में मेधा सूची अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। मेधा सूची अनुमोदित हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा, 15 दिनों का आपत्ति दिया जाएगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर मेधा सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची का आरक्षण बिंदु को ध्यान में रखकर चयन सूची, जिसमें उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के अधिकतम 5 गुना तक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, अंतिम मेधा सूची की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को भेजी जाएगी। 5 गुना तक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, 5 गुना, अधिकतम 5 गुना। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयन सूची की जांच कर उसे 30 दिनों के अंदर अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को भेजी जाएगी, जिसे नियोजन इकाई के द्वारा तैयार कर सार्वजनिकरण किया जाएगा। इसके बाद है नियुक्ति पत्र, ये किस तरह बांटा जाएगा, वही पुराना वाला होगा मेरे ख्याल से, बाय पोस्ट। देखिए क्या कुछ लिखा गया है। नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक के द्वारा, हमने बताया ना, डाक के द्वारा नियुक्ति पत्र चयनित अभ्यर्थी के फोटोग्राफ युक्त भेजा जाएगा। योगदान हेतु 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में होगा। विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक द्वारा नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकृत किया जाएगा। 30 दिनों के अंदर कर लेना है, अगर पोस्ट गड़बड़ किया है, 30 दिनों के अंदर नहीं पहुँचा तो आप समझिए, ये गड़बड़ थोड़ा सा लगता है, मतलब चलिए ठीक है, जो भी है। 30 दिनों के बाद रिक्त रह गए पदों पर पुनः रिक्ति की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। पुनः 30 दिनों के पश्चात रिक्ति रहने पर रिक्त की संख्या के अनुसार चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कुल 3 संव्यवहार के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्त मानी जाएगी। 3 बार इस तरीके से होगा, यानी मेरिट लिस्ट बनेगा, भेजा जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर भेजा जाएगा, यानी जो भी मेरिट लिस्ट क्या, जो भी बना हुआ है, पहले लोगों को भेज दिया, 30 दिन में नहीं योगदान किया, फिर भेजा जाएगा दूसरे किसी को, उनको नहीं, उनको छोड़ के उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को भेजा जाएगा। तो इस तरह से चलेगा, ये 3 बार होगा। परंतु प्रशासी विभाग से अनुमति प्राप्त कर उक्त संव्यवहार को संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विस्तारित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का व्यवस्था मुझे तो अच्छा नहीं लगता। एक बार बुलाना चाहिए कि इस रैंक से इस रैंक तक इस दिन पहुंचिए, और वहां पे जो भी रैंक काउंसलर बुलाया जाता है कि यहां से यहां तक जो भी अभ्यर्थी हैं, जो इतना सीट है, उन लोगों को लाइन से क्रम के अनुसार बुला दिया जाता है और नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जो नहीं है ठीक उसके नीचे वाले को लिया जाता है, फिर जो नहीं आएंगे ठीक उसके नीचे वाले को, एक ही समय में सारा हो जाता है। जिनको नहीं मिलता वो दूसरे जगह जाके अपना ट्राई करते हैं। इस तरीके से दुगुना एक बार बुलाया जाता है, और इस तरीके से कैंप की तरह एक तरह बहाली किया जाता है, कोई ज़बरदस्त था, लेकिन ये 3 बार करेंगे, ये करते रहेंगे, ये इसी तरह चलते रहेगा 5-6 महीना। चलिए हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसमें देखा जाए योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक, ये सारे चीज़ आपको देने होंगे। शल्य चिकित्सक प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित जिला के समक्ष पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र पूर्ववित सत्यापन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। 2 चीज़ है यहाँ, एक तो आप चले जाएगा हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको देना होगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दूसरा चरित्र आपको प्रमाण पत्र देना होगा।
इसके अतिरिक्त है नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित सभी अभिलेख कागजातों की छाया प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी प्रमाणित कर प्रखंड कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का अभिलेखों के लिए अलग अलग फोल्डर संचिका संधारित किया जाएगा। अगला है नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई के स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा। अब इसके अतिरिक्त है शारीरिक शिक्षा एवं कार्य विषय के लिए अनुदेशक की नियुक्ति। अब क्या क्या इनके लिए है ये बाबू आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे पहले भी जो फॉर्म भरे होंगे उन लोगों के लिए होगा ही। ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके लिए। और ये ललित कला एवं संगीत के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला में नियमित कोर्स से स्नातक डिग्री, संगीत में स्नातक या डिप्लोमा या समकक्षी योग्यता, बस इतना ही चाहिए मेरे ख्याल से। इन्हें बीएड वगैरह नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अनुकंपा पे बताया जा चुका है, अनुकंपा पे भी बहाली होगी, यानी नौकरी के पीरियड में कुछ हो जाता है मतलब, चलिए जो भी है। इसमें प्रमाण पत्रों की जांच भी कराई जाएगी, ये सारी चीज़ है। फिर वसूलू किया जाएगा अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो। सेवा संबंधी शर्तें को ये 60 वर्ष की आयु तक नियुक्ति रह सकेंगे जो भी बनेंगे। नियुक्ति के बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है, इसके बाद सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके बाद आपको ईपीएफ वगैरह का भी ये मतलब फायदा मिलेगा, ये सारी चीज इसमें लिखे गए हैं। तो इसकी मासिक परिलब्धियाँ अंतर्गत 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अंशदान हेतु अनुदान की राशि दी जाएगी। और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। निरंतरता है, हस्तांतरण है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो हस्तांतरण के बारे में भी इससे पहले हमने वीडियो में बताया था। एक प्रोन्नति है, कैसे कैसे प्रोन्नति होगा। आचार संहिता है, इसके बाद अवकाश वगैरह होगा। अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में लिखा गया है, लघु दंड क्या होता है, वृहद दंड, ये सारी चीज़ जब आप शिक्षक बन जाइएगा तो आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बाद अवकाश हमने बताया किस तरह का अवकाश है, इसमें विशेष आपका 180 महिला शिक्षकों के लिए हो गया, साथ में जो भी पिता बनते हैं उनके लिए स्पेशल 15 दिनों का हो गया है। अब इसमें देखा जाएगा चिकित्सक अवकाश के लिए, सारी चीज़ के बारे में ये सारी चीज़ हैं जो आगे आपको काम आ सकता है। तो जो विशेष था, शिकायत अपील है, प्रकरण है, निरसन है, और भी चीज़ें था जो सारी चीज़ बता दी। डेट भी हमने बताया था 21/8/2020, 21 अगस्त 2020 हमने बताया था, वही सिग्नेचर है इसलिए हमने बताया था। तो ये सारी चीज़ अपडेट हो गए, सारी चीज़ आप जान भी गए होंगे। अब एक और आपका बचता है, आपका उच्चतर माध्यमिक वाला, स्टेट वाला, जिसपे विशेष आपको चाहिए कैसे मेरिट बनेगा, क्या होगा जो स्टेट के परीक्षा होगा उसमें क्या होगा, ये सारे बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो उसमें अब कल तक रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और भी अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही लास्ट टाइम हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। लास्ट टाइम कंक्लूजन में पहला जो आपका था मेरिट, जो पहले से बनता आ रहा था 1-5 का, वही है, यानी मैट्रिक इंटर, और मैट्रिक इंटर जो आपका जो भी प्रशिक्षण आपने किया है वो तीनों को प्रतिशत जोड़ लीजिएगा और बट्टे में, और क्या कीजिए, जैसे मैट्रिक हो गया, फिर इंटर हो गया, फिर ये हो गया आपका प्रशिक्षण बीएड डीएलएड जो भी किए हैं वो, अब इसको जोड़िएगा 180 हो गया, इसको भाग देना है 3 से को, ये आपका मेधा बन गया कितना प्रतिशत, तो ये हो गया 60। इसमें टीईटी वगैरह को नहीं जोड़ा जाएगा, उसका 2 अंक जो मिलता था वो हट गया, ये आपका मेधा बन गया। ये 60 के अलावा आपका कुछ और भी हो सकता है। दूसरा जो 6-8 का है उसका मेरिट कैसे बनेगा, 6-8 का आपका जो भी ग्रेजुएशन का है टोटल जोड़ लीजिएगा 1500 पे, मान लीजिए मैंने एग्जांपल में 60 रखा। उसके बाद जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया बीएड डीएलएड जो भी है वो आपका कितना है वो, तो वो हो गया आपका मान लीजिए 60। प्रशिक्षण मतलब बीएड वगैरह जो शिक्षा शास्त्र वगैरह जो आप करते हैं, बीएड विशेष और भी बहुत सारे नाम जो स्टार्टिंग मैंने काउंट किए थे वो, तो मान लीजिए ये हो गया 20, इससे किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये कितना हो गया 60। ये भी आपका चेंज हो सकता है। इसमें 2 ही हमने लिखा है, ये स्नातक वाला है, ये प्रशिक्षण वाला है, और इसमें 10 दोनों में 10-10 का वेटेज मिलेगा अगर कोई भूतपूर्व सैनिक का विधवा वगैरह हैं तो उन्हें। तो ये हो गया
और विशेषता कि जो पद निकलेंगे उसमें मान लीजिए 100 पद हैं, इसमें से 50 जो प्रतिशत बोला गया था को 50 सीट दे दीजिए प्रोन्नति के लिए, जो 50 सीट हैं इसमें 50 सीट दे दीजिए महिला के लिए, बाकी जो 50 में से 25 हुआ ना 25 सीट दे दीजिए महिला के लिए, 25 में से जो भी आरक्षण वगैरह है उन लोगों को दे दीजिए, इस पर आप लोग पुरुष लोग फाइट कीजिएगा, महिला दोनों पे फाइट करेंगे, महिला के लिए स्पेशल हो गया फिर इसमें भी फाइट करेंगे। और इसमें विशेष है कि जो बिहार के हैं वही इसमें केवल फॉर्म डाल पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष आपको ज़रूरत होगा। बस तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो ओके बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।